बैक टू माई चैनल। आज का ये ब्लॉग है मेहंदी का, आ जाए मेहंदी। बूढ़े बाबू तो मुझे भी अब क्यों पता चले, देवर की शादी में कहते नहीं खा सकते तो बूढ़े बाबू पूछेगा, बूढ़े बाबू पूछेगा। बस वॉश नहीं करने वैसे साबुन से। पापा दो सबसे पहले करने चावल। Thank you.
चक 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 हूँ मैं, पति तो पहले
काज बोलेरे ढोली दी ट्राली सिटी मंडी च सवेरे मुक देना मुट गई बैंका च बसेरे मैनू साली दे ब्याह दा पूरा चा साली Yeah.
करे से मेरी हर एक बात पे वो गौर करे से।
We'll be right back.
कुत्ते में बंद पूरी आसी अखियों में खुलती है। अब ऑलमोस्ट सब चले गए हैं, मैं आराम से बैठ के खाना खाऊंगी और फिर जाऊंगी। कुछ बात चल रही है यहाँ पे, क्या बात होगी मुझे बता दो। मेरे बेटा ये छोटा भाई है, छोटी बहन है, बड़ी बहन छोटा बच्चा है। यहाँ पे सब फ्री हो गए हैं, हमारी लड़की का शूट चल रहा है। इसकी ड्रेस है गजल गुप्ता की। ठीक है चलो, सबसे सही टाइम पर मम्मी अभी फ्लाइट से उतरा सी तो रही यहाँ। इधर ही देखो सब काम।
हम लोग सभी तो थक गए हैं। जय माता दी करते हुए चढ़ गए। हाँ अरे आगे वालो पहुंच गए, ये तो दरबार, ये तो दरबार पहुंच गए, हम ही रह गए। ये पहुंच गए, हम ही रह गए। पहुंच गए, जय माता दी। पता नहीं आप लोगों को मेरे पूरे आउटफिट नजर आएगा नहीं आएगा, बट दिस इज माय ड्रेस, ब्लैक कलर की। देखना मेरी मम्मी सो रही है और देखो मेरी चाची ताई और भाभी उठी हुई है, हैं जिसके घर में शादी और वो तो सो रही है। जागी पड़ी हूं बीवी मैं। आईज क्लोज थे, हमें आपके बहाने से एक झपकी ले ली आपने। कर रखी है तूने मेकअप जो करा ना इस पर, उससे प्रॉब्लम हो रही है। मैं देती हूँ आपको, लेकिन आपको जागना पड़ेगा बहाने से। बच्चे मुझे पता है आप लोगों को ऐसा लगता है क्यों डाल रही ब्लॉग, क्यों डाल रही ब्लॉग। सच में पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि क्या है कि अब जैसे जैसे जाने का टाइम पास आ रहा है ना, ऐसे बहुत सारे काम है जो लाइन अप हो रखे हैं और बहुत छोटा बच्चा है साथ में, तो जब अगर उसको हैंडल करते हुए मैं यूज़ करती हूँ फ़ोन तो यूज़ नहीं करने देती। अब मैं सुबह 5 बजे उठी, मैं कितने 3:30 बजे सोई थी, 5 बजे का अलार्म लगा के उठी हूँ कि नहीं ब्लॉग तो एडिट करना ही है। अब हो रहा है 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है, मुझे भूख लगाई है, मैं खा रही हूँ चीज़ केक। और मैं ये बता रही हूँ कि मैं पूरा दिन सोचती रहती हूँ मुझे व्लॉग एडिट करना है करना है। और ये जो शादी के व्लॉग्स हैं ना, वो बहुत लेंदी व्लॉग्स हैं। और ऐसा हो गया क्योंकि फंक्शन भी इंजॉय करना होता है, तो क्लिपिंग्स मैंने यहाँ वहाँ से इकट्ठी करी है, तो इस वजह से और थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है अरेंज करना क्लिपिंग्स को, और फिर आपके लिए उसको एक अच्छी सी वीडियो देके उसको रिप्रेजेंट करना। तो इस वजह से थोड़ी सी लेट हो जाती है, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बहुत अंडरस्टैंडिंग है, इस बात को समझेंगे, इन सब रीजंस को समझेंगे, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ, अभी भी करूँगी, क्योंकि राहुल अब जाने वाले हैं। तो वैसे तो राहुल का ऐसे कुछ काम भी नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से 1 वीक से मैं राहुल के साथ बिजी थी, तो मे बी अब थोड़ा सा टाइम मिलेगा। ऑनेस्टली बताऊँ तो शान मेन रीज़न है, अगर मेरे पास टाइम होता भी है तो शान एंटरटेनमेंट चाहती है तो उसको एंटरटेन कर रही होती हूँ, फिर उसके बाद शान जब बिजी हो जाती है तो मेरे अपने इतने काम हो जाते हैं इकट्ठे कि मैं वो करने की कोशिश करती हूँ। बट मुझे ये पता है कि रेगुलर ब्लॉग आने चाहिए, और मैं अब एक और बार, मुझे पता है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं अब तो ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है आई एम सिंसेयर इनफ, लेकिन छोटे बच्चे के साथ एवरी डे आई एम ट्राइंग, हो जाए हो जाए। और एक और चीज़ कि हमने मेहंदी की प्रिपरेशन करनी थी, परफॉर्मेंस की प्रिपरेशन करनी थी, कुछ नहीं हो पाए, क्योंकि क्या हुआ मेरी लास्ट मोमेंट की शॉपिंग थी, आप लोगों को पता है कि मैं मुश्किल से 20 डेज पहले ही आई थी, तो वो सारी बच्चों की शॉपिंग, अपनी शॉपिंग और भी बहुत सारे काम थे, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स थी, चेकअप थे, फिर उसके बाद भैया की शादी थी, तो ऐसा नहीं हो पाया कि हम लोग कोई परफॉर्मेंस प्रिपेयर कर पाए। बट फिर भी इस डे को स्पेशल बनाया हमारी फैमिली ने, रिलेटिव्स ने, और बहुत अच्छा लगा। आई रियली अप्रिशिएट जो एक बार के कहने से, कैसे भी ऑब्वियसली हम लोग तो कर ही रहे थे परफॉर्म, में पता था कि अब कैसे भी है इस चीज़ को, इस मोमेंट को स्पेशल बनाना है, बट फैमिली और रिलेटिव्स जो एक बार के कहने पे देवर रेडी टू परफॉर्म, देवर रेडी टू डांस, बहुत अच्छा लगा। तो मेन क्रेडिट जाता है फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को टू मेक दिस डे स्पेशल, सो थैंक यू सो मच, और आप लोगों को फॉर बीइंग सच अ ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माय लाइफ, क्योंकि अब आप भी हो, क्योंकि आपके साथ में सब कुछ शेयर कर रही हो, तो यू आर बीइंग अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ माय लाइफ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।